हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा हैंडसम हीरो मुंह नहारा होता है, तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन शिनी आती है, उसे आकर पकड़ लेती है और कहती है, मो मैं हमारा खुद का बच्चा चाहती हूँ। ये सुनते मो गुस्से में कहता, शिनी मेरा एक बेटा है, ये बात तुम मत भूलो, हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। गुस्से में कहती, तो फिर आखिर कब तुम मुझे टच करोगे, क्या मेरे मरने के बाद? ये सुन मो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी शिनी उसके पीछे जाती कि उसका पैर फिसल जाता है, यहाँ पर गिर जाती, उसके सिर में चोट लग जाती और तुम सीन देखते इस दुनिया का, जहाँ पर यहाँ की शिनी कहती इस ड्रामा की नॉवेल की स्टेप मदर कितनी ज्यादा अनोइंग है, रिच फैमिली की वाइफ बनने से इसका पेट नहीं भरा, ये बाप बेटे को अलग क्यों करना चाहती है, शिनी तुम इसी के काबिल हो। और तभी यहाँ पर मैजिक हो जाता है और शिनी इस नॉवेल की दुनिया में आ जाती है, इस ड्रामा की दुनिया में, और कहती क्या मैं कहाँ हूँ, और यहाँ पर सारी बातों को याद करती है। वे यहाँ पर थोड़े से पीछे वाले सीन में चली जाती है जहाँ पर मो कहता है, ये मत भूलो कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शिनी कहती ये मो है, फिर मो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शिनी कहती क्या कहीं मैंने सेकंड दुनिया में ट्रैवल तो नहीं किया, इसका मतलब मैं सौतेली माँ बन गई हूँ। या उसे इस ड्रामे का सीन याद आता है जहाँ पर मो कहते हैं, हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट बस एक साल का होगा, एक साल के लिए हम कपल है। शिनी कहती है ठीक है। सीन देखती है जहाँ पर शिनी शाह को थप्पड़ मारती और कहती है, तुम मेरा वेट करो बस मेरे बच्चे के आने का, तुम जैसे घटिया कमीने बेटे को मिस घर से निकाल दूंगी। ये सीन देखती है जहाँ पर मोशिनी को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे और मुझ में दरार डालने की। आगे मुक कहता है, तुम जेल जाओगी। शिनी कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर रोती है। तभी आगे जा शिनी कहती है, इस मैन की फिगर कितनी ज्यादा हॉट है, OMG मैं क्या करूँ, तो परफेक्ट ड्रामा का हीरो है। तभी शाह कहते गुस्से में, मेरे डैड को छोड़ो तुम शैतान, और यहाँ पर उसे गोली मार देता है। और तभी यहाँ पर शिनी का सपना टूट जाता है, कहती क्या मैं पागल हो जाऊंगी। फिर आगे नॉवल के शिन के कपड़े देखती है और कहती वाव इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी ज्वेलरी, और यहाँ पर सब कुछ देखकर खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, मेरा अमीर बनने का सपना पूरा हो गया। तभी यहाँ पर मेड की आवाज आती है, कहती मिस शिनी आपका ब्रेकफास्ट। आगे शिनी ब्रेकफास्ट देखती है और कहती क्या ये तो फास्टर होटल का खाना लग रहा है, अच्छा इसे अमीर का ब्रेकफास्ट कहते हैं। मन में आगे कहती है, मैं तो हर रोज बस फ्री में खाने का किसी पार्टी में जाने का वेट करती थी, इन्हें यहाँ पर कितना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, इतना टेस्टी खाना। तभी वो कहती मो से, तो हस्बैंड क्या आप खाओगे, मैं आपकी हेल्प करूँ खाने में। विवाह हम मो के बेटे शाह को देखते हैं, तो शाह के बारे में ट्विस्ट आपको आगे पता चल जाएगा। तभी शाह के देख शिनी कहती, तो क्या ये मेरा सौतेला बेटा है, ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है और कितना स्मार्ट दिखता है ना, कहता है तुम कुछ खा लो। शाह कहता है मुझे भूख नहीं और मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है। तभी शिनी कहती वेट ये लो, जाते समय इसे खा लेना। इस पर शाह देखने लगता है, शिनी कहती ले भी लो, बच्चे भूखे बाहर नहीं जाते, सब चले ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मो कहता है शिनी कोई ट्रिक मत यूज करो। तभी शाह गुस्से में खाना डस्टबिन में डालकर चला जाता है। तब शिनी मन में कहती ये बाप बेटे कितने ज्यादा मुश्किल है, मैं इसे डील कैसे करूंगी। वेटर आता है और कहता है, मास्टर शाह के फ्रेंड्स आज घर आने वाले हैं, मैं कौन सा फूड बनाऊं, वेस्टर्न की चाइनीज। तो शिनी कहती क्या मुझे मौका मिल गया। नॉवेल की शिनी को तो शाह काफी हेट करता है उसकी चिप हरकती की वजह से, तो फिर मुझे बस अपने बेटे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा, ठीक है मैं जरूर करूंगी। फिर मो से कहती है, डोनर फादर बाय मेरा हो गया। तो सुनकर मो कहता है वेटर से, क्या इसने क्या बोला मुझे। वेटर कहता है मैंने नहीं सुना, लेकिन आजकल मैम काफी अजीब हरकतें कर रही हैं। मो कहता है लगता है उसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। ये जहाँ पर शिनी सर्च करती अपने सौतेले बेटे के दिल को कैसे जीते। फिर आगे सीन जहाँ पर शाह के फ्रेंड्स घर आते हैं, तभी शिनी कहती है वेलकम। तभी वह शाह के फ्रेंड हम लूसी को देखते हैं कि कहती है शाह ये कौन है, क्या तुम्हारी नौकरानी। शिनी कहती क्या मैं नौकरानी लगती हूँ तुम्हें। उसका फ्रेंड कहता है लूसी तुम कैसी बातें करो, कितनी ब्यूटीफुल है, नौकरानी नहीं हो सकती। इस पर लूसी कहती क्या तो फिर आप शाह की सौतेली माँ है। उस समय कहता है तुम इन्हें इग्नोर करो, तुम सब चलो यहाँ से। उनका शिनी खुद से कहती तो क्या सौतेली माँ इंसान खाती, जाने दो जो भी हो, मुझे बस अपनी मीठी गोली को यूज करना है और अपने सौतेले बेटे के दिल को जीतना है। फिर आगे जाओ ढेर सारे स्नैक्स लेकर आती और कहती बच्चा पार्टी इंजॉय करो। शाह गुस्से में कहता हमें परेशान मत करो। तभी शिनी स्माइल देती और कहती तुम्हारी आंटी तुम्हें ट्रीट दे रही है, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो, और यहाँ पर अपना फोन देती है तो यहाँ पर फूड ऑर्डर करता है। तभी शिनी कहती शाह तुम्हें स्पार्कलिंग वाटर पसंद है ना, मैं ऑर्डर करती हूँ। इस पर शाह कहता है नहीं। तभी लूसी कहती है शाह तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ काफी बुरा बिहेव करती है, तो फिर आज इतनी अच्छी क्यों बन रही है। देखते शाह यहाँ पर गुस्से में शिनी को देखता ही जाता है। फिर आगे जहाँ पर म्यूजिक प्ले करने जाता है, तभी कहती शाह तुम क्या करो, आवाज को कम करो, कहीं तुम्हारी सौतेली माँ को बुरा लग गया तो।
ये सुनते हुए शाओ यहाँ पर आवाज को बढ़ा देता है। तभी शिनी वहाँ आती है। शाओ कहता है क्या है, फिर से आप मुझे मारना चाहती हो? तभी शिनी यहाँ पर यो करती है और देख कर शाओ के फ्रेंड कहते हैं आंटी आप कितनी कूल है ना। शिनी कहती है शाओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, डोंट वरी मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम सब इंजॉय करो। और वहाँ से वो चली जाती है। तभी शिनी छुपते हुए शाओ को देखती है। तभी वो देखती है कि लूसी शाओ के पानी में नशे की गोलियां मिला रही है। वो देख शिनी कहती है मुझे पता ही था। कहता है शिनी तुम ये क्या कर रही हो? और तभी शिनी मुके काफी पास आ जाती है। मुके कहता है तुम यहाँ छुपी क्यों हो? तभी लूसी शाओ को पानी देती है। वो देखते है शिनी कहती वेट और भागते हुए जाते है शाओ के पास और यहाँ पर ग्लास ले लेती है। इस पर शाओ कहता है अब क्या है? शिनी कहती मैंने तीखा खा लिया है, क्या मैं पानी पी लूं? और यहाँ पर पी जाती है और फिर कहती क्या मैं तो पानी पी गई, अब मैं क्या करूं? शाओ गुस्से में कहता आप चाहती क्या हो? ये सुनते शिनी वहाँ से भाग जाती है। ये देखते लूसी कहती है सैड होते हुए चलो हम सब घर चलते हैं। यहाँ पर शाओ ग्लास को देख रहा होता है। फिर आगे जहाँ पर शिनी उल्टी करने की कोशिश करती और कहती उसने उसमें दवाइयाँ मिलाई थी। शिनी क्या तुम पागल हो गई हो? फिर मो कहता है क्या कैसी दवाई? शिनी कहती है लूसी ने शाओ को फंसाने के लिए पानी में नशे की दवाइयाँ मिलाई थी, मैंने देखा। मो कहता है फिर तुमने उसे पिया क्यों? शिनी कहती आपकी गलती है, आपने मुझे अचानक आके डरा दिया था, फिर मैं टेंशन में आ गई, उसे रोकने गई और मैंने पानी पी लिया। मो कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शिनी कहती है शाओ मुझ पर गुस्सा करता, मुझे हेट करता, मेरे पास प्रूफ नहीं था। और यहाँ पर बेहोश होने लगती है और कहती पक्का उस पानी में गड़बड़ थी। तभी वह शाओ आता है, शिनी को देख के कहता है पानी में क्या था मुझे बताओ। तभी शिनी यहाँ पर गिरने लगती है। शाओ कहता है ट्रिक मत यूज करो। फिर मो कहता है शिनी, शिनी कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन आप मुझसे दूर हो वरना कहीं मैंने आपका फायदा उठा लिया तो। ये सुनते मो यहाँ पर शिनी को उठाते उसे लेके जाने लगता है। इस पर शाओ कहता है डैड आप क्या कर रहे हैं? मो कहता है शाओ बच्चों बड़ों की बातों से दूर रहते हैं और तुम लूसी से दूर हो समझे। वो शिनी को लेकर चला जाता है। तभी शाओ कहता है एक नंबर की झूठी है, मैं उसकी बातों पर ट्रस्ट क्यों करूं? फिर आगे वो कॉल करता है और कहता है मुझे बताओ सच क्या है, उसे तुमने क्या किया? फिर आगे जहाँ पर शिनी कहती है मो आप कितने हैंडसम मैन हो, एक काम करना आप अपनी इज्जत मुझसे बचा ले। मेरा बेटा शाओ कहा गया, डोंट वरी मैं उसकी बेस्ट स्टेप मॉम बन के दिखाऊंगी, मैं आपको शाओ को प्यार करूंगी वो भी ढेर सारा, प्लीज मुझे जेल मत भेजना प्लीज। मो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? शिनी कहती आप मुझे सेड्यूस नहीं कर सकते। मो कहता है क्या? शिनी कहती मिस्टर मो आप कितने ज्यादा हैंडसम हो, मेरे पिछले जन्म की पुण्य है कि आप मुझे इस जन्म में, प्लीज आप मुझे हेट मत करो। और यहाँ पर मुको किस करने चाहती कि तभी वो गिर जाती है और सो जाती है। अभी मो स्माइल देता और कहता है तुम ट्राई तो कर सकती थी ना। इस इन मॉर्निंग का जहाँ पर शिनी कहती क्या आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? मो कहता है ध्यान से देखो ये मेरा बेडरूम है। शिनी कहती क्या तो फिर कल रात को मैंने जो कुछ भी किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मो कहता है कैसे? शिनी कहती कैसे? मो कहता है ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। पर शिनी कहती डन। फिर आगे सीन देखते हैं पार्टी का जहाँ पर गुविन आती और मो का हाथ पकड़ने चाहती, मो अपना हाथ खींच लेता है और तभी वहाँ पर लेडीज कहती है आप दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है ना। मो कहता है मिस वॉन आपका जोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं एक शादीशुदा मैन हूँ। तभी गुविन कहती मॉन में मुझे पता है कि आपकी माँ की जान शिनी ने बचाई थी इसलिए आपने उसे शादी की, वो भी जबरदस्ती आपकी माँ के कहने पे। मॉन कहती पक्का उस लड़की ने जानबूझकर आपकी माँ की किडनैपिंग करवाई और उसके बाद उसे बचाने का नाटक किया। वो सारी बातें शिनी सुनती है और कहती है आप सबके कहने का ये मतलब है कि मेरे हस्बैंड को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और मो से कहती है अभी मुझे भूख लगी है चलो कुछ खाते हैं। यहाँ पर गुविन शिनी की इंसल्ट करने लगती, इस पर शिनी दोनों की अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है और यहाँ पर दोनों गुस्से में चली जाती है। तभी शिनी कहती है मेरी एक्टिंग की स्टाइल आपको कैसी लगी? तभी मो कहता अपना मुंह खोलो और यहाँ पर उससे कुकीज खिलाता है और कहता है क्रीम और यहाँ पर उसके लिप्स पे से क्रीम हटाता है और कहता है मैं एक्टिंग अच्छे से करनी चाहिए कपल बनने की। सब कुछ देखकर गुविन काफी गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आती और कहती लड़की कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, बाप बेटे पर इसने जादू कर रखा है। गुविन कहती मतलब? लूसी कहती इसके कहने पर शाओ ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया। कहती तुम क्या करोगी? लूसी कहती आपको तो मिस्टर मो चाहिए ना और मुझे शाओ, तो फिर क्या हम डील करें? आगे जहाँ पर वेटर शिनी के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और कहते आई एम सॉरी मुझसे गलती से गिर गया। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है मिस्टर मो आपसे बिजनेस के बारे में बात करनी है, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? सर मो कहता है लेकिन वो आदमी कहता है प्लीज। मो कहता है शिनी तुम? शिनी कहती कोई बात नहीं आप जाओ मैं अपने ड्रेस को क्लीन कर लेती हूँ और वेटर के साथ वहाँ से चली जाती है। सीन जहाँ पर शिनी होटल रूम में होती है कि तभी वहाँ पर कोई डोर को नॉक करता है। शिनी यहाँ पर डोर को ओपन करती तभी कोई मैन उसके रूम में जबरदस्ती घुस जाता है। ये सारी बातें उसे रिकॉर्ड कर रही होती है और यहाँ पर उसका वीडियो बनाकर शाओ को भेजती और कहती है शाओ मैंने भी तुम्हारे सोते लिमा को किसी मैन के साथ रूम में जाते हुए देखा, मुझे काफी फिक्र तुम्हारी, तुम जल्दी आ जाओ।
यहाँ पर उसे स्माइल देती और कहती, अब देखना मैं तुम्हारा गेम कैसे बचाती हूँ। जहाँ पर शाओरमो आ जाते और यहाँ पर शिनी डोर को ओपन करती और कहती, क्या आप यहाँ? वो कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? शिन कहती, वो मेरे कपड़े खराब हो गए थे ना, तो मैं यहाँ बस चेंज करने आई थी, तो फिर हम चलते हैं यहाँ से। वो कहता है, क्यों क्या हुआ? और तभी रूम से चिल्लाने की और हेल्प की आवाज आती है। देखते हैं यहाँ पर शाओरमो दोनों रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक मैन रोता है, जमीन पर गिरा होता है, उसे चोटें लगी होती है। वो कहता है, ये क्या? शिन कहती है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बस इसे क्राइम करने से रोका है। फिर उससे कहती, क्या ये सच नहीं हो सकता? सो मैन कहते, हाँ शिनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो फिर तुमने मुझे रूम में बुलाया और पकड़ी ना जाने के डर से तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो। तुमने मेरी पिटाई की, वो भी झूठी मूठी, सिर्फ दिखाने के लिए, मैं एक्टिंग कर रहा था। लूसी कहती, आंटी आप ऐसे शौक रखती हैं? तभी शाओ कहता है, क्या एक्टिंग है ना आपकी, मुझे लगा था कि आप सुधर गई हो, लेकिन नहीं, फिर से गलत साबित हुआ। शिनी कहती, नहीं ये सच नहीं है। और तभी यहाँ पर वो नॉवेल के शिनी के सीन को देख लेती है, जहाँ पर शिनी कहती, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैंने कुछ नहीं किया। गुस्से में कहता है, तुम पर ट्रस्ट, तुम उसके काबिल नहीं हो। फिर वापस हम सीन देखते हैं शिनी का, जहाँ पर कहती, इस प्लॉट के हिसाब से तो इसके बाद मो शिन को घर से निकाल देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शिनी कहती, मो प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट करो। कहता, तुम पर ट्रस्ट, तुम उसके काबिल नहीं हो। शिनी कहती, बस आगे मत बोलना, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, अभी बताती हूँ मैंने इसे कैसे मारा। और यहाँ पर स्मैन की अच्छी खासी पिटाई करने लगती है। और देखते हैं यहाँ पर तीनों काफी डर जाते हैं। शिनी उसे काफी मारती और कहती, तो क्या अब मुझ पर ट्रस्ट हुआ कि मैंने सच बोला, मैंने सच में इसकी पिटाई की है? वो डरते हुए कहते हैं, हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारी गलती नहीं थी। अंदर उसे कहती, क्या ये बस पिटने की एक्टिंग कर रही है? मैन भी बस एक्टिंग कर रहा है चिल्लाने की, और वो भी सच छुपाने की। इन गुस्से में कहती, तो क्या मैं इसे पिटते हुए मार डालूं, फिर तुमको ट्रस्ट होगा, मैं प्रूफ करूं ऐसा करके? यहाँ पर मारने जाते कि तभी मैन उसे को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम क्या मुझे मार डालना चाहती हो मेरी इतनी पिटाई करवाने के बाद? कहता है, तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब कुछ किया, तुमने मुझे पैसे दिए थे इस लड़की को फंसाने के लिए। तो लूसी कहती, क्या नहीं तुम झूठ बोल रहे हो उसके कहने पर। कहता है, क्या मैं सच बोल रहा, मेरे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड है, इसने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। और वहाँ से मैन भाग जाता है। भी शाओ गुस्से में लूसी को देखता है और कहता है, ये सब क्या है? लूसी कहती है, शाओ मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें फिर से बुले करे, इसलिए मैंने सब कुछ किया इसे सबक सिखाने के लिए। पर शिनी गुस्से में कहती है, क्या मो ये झूठ बोल रही है? से मैं कहता है, मिस लूसी तो फिर तुमने शाओ को जो ड्रिंक दिया था नशे का बना के, फिर क्या तुम चाहती हो इस ग्लास पे लगे तुम्हारे फिंगरप्रिंट को मैं चेक करवाऊं? तुमने क्या मिलाया था मैं वो बताऊं, तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजूं? इस पर लूसी कहती, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। इस पर मैं गुस्से में कहता है, मेरी बीवी से माफी मांगो। लूसी कहती है, सॉरी आंटी। शाओ गुस्से में कहता है, आज के बाद तुम मुझे अपना फेस मत दिखाना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम निकलो यहाँ से। और जाते समय लूसी गुस्से में शिनी को धक्का देते हुए चली जाती है। शिनी मन में कहती है, मैं तो भूल गई, इस लड़की ने शाओ को बिगाड़ दिया था नॉवल के हिसाब से, तो फिर मुझे नजर रखनी होगी सब पर। तभी शाओ कहते हैं, आई एम सॉरी। शिनी कहती, कोई बात नहीं। कहती, वैसे लूसी से भी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं इस दुनिया में, एंड डोंट वरी, मम्मी तुम्हारी हेल्प करेगी लड़कियों को पटाने में। शाओ कहते, क्या सच में? आपका दिमाग, जाने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपका पार्किंग एरिया में वेट करता हूँ। और चला जाता है। तभी शिनी कहती, मो से मैं कमाल की हूँ ना? इस पर मो कहता, हाँ तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। यहाँ पर शिनी के पास आता है। शिनी कहती, वो मैं एक काम करो, अब जाओ मुझे कपड़े बदलने हैं, और मो को बाहर कर देती है। ये सब कुछ दूर से गुविन देखते और कहती है, बस बहुत हुआ। आगे से इन पार्किंग एरिया का, जहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं, शाओ से तुमने मेरे भाई को काफी ज्यादा परेशान किया है, क्यों? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शाओ कहते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलती उसकी थी। तभी सारी बातें शिनी दूर से देखते और कहती, क्या अब ये सब क्या है? पुंडा कहता है, इसकी पिटाई करो। तभी शिनी भागते जाते और कहती, बस बहुत हुआ, तुम सबको जो कहना तुम मुंह से भी तो कह सकते हो ना, मारपीट की कौन सी बात है? तभी लड़का कहता है, क्या? तो फिर शाओ तुम्हें काफी ओल्ड एज की लड़कियां पसंद है, क्यों? इस पर शिनी गुस्से में कहती, जबान संभाल के बात करो, मैं इसकी स्टेप मॉम हूँ। तभी मैन कहते, अरे बच्चा जाकर माँ के पीछे छुप गया है। तुरंत शाओ गुस्से में कहता है, मैं तुम सबकी पिटाई कर दूंगा। वो मैन कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे कमीने बाप ने तुम्हें कई रोड पर से उठाया है, क्यों? और यहाँ पर हंसने लगता है। ये सुनते यहाँ पर शिनी उसे जोरदार थप्पड़ मारते और कहती, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। फिर आगे सीन जहाँ पर शिनी कहती, क्या तुम्हें फाइटिंग आती है? शाओ कहता, नहीं। शिनी कहते, गुड। और यहाँ पर दोनों फाइटिंग करने लगते और शाओ को शिनी बचाते गुंडों से और शाओ बचाता है शिनी को गुंडों से। यहाँ पर दोनों पिटाई करते, गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी शिनी कहती, वाव तुमने काफी अच्छा काम किया। इस पर शाओ स्माइल देता है। शिनी कहती, वाव स्माइल कितनी ब्यूटीफुल लगती है तुम्हारे फेस पर। शाओ कहता, आप मेरे गालों को मत खींचो। तभी यहाँ पर मुआतर कहता, ये सब क्या हो रहा है? शिनी कहती, कुछ भी तो नहीं, चलो घर चलते हैं।
यहाँ पर आग मारते हुए जाते हैं। शाओ यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे जहाँ पर शाओ अपने चोट पर मेडिसिन लगाता है, तभी वहाँ पर शिनी आ जाती है। शाओ कहता है क्या, शिनी कहती दवाई है। शाओ कहता है बाहर जाओ, तभी शिनी यहाँ पर पंच मारती है, कहती दुख आना तो फिर चुपचाप बैठो। यहाँ पर मेडिसिन लगाती और कहती दुख रहा तो फिर तुम चिल्ला सकते हो ना। एंड डोंट वरी बेटा, दुश्मनों को 1000 पंच मारने में एक पंच तो लग ही जाता है ना। हमें शर्मान की कोई बात नहीं, हमें प्राउड फील करना चाहिए खुद पे। तभी शाओ कहता है जो कुछ भी हुआ डैड को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो मोहतर कहता है क्या, मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए। तो शाओ ये चोट तुम्हें चोट कैसे लगी, काफी परेशान हो जाता है। तभी शिन कहती है फाइटिंग से, कहता है फाइटिंग। शिन कहती हाँ तो आगे फ्यूचर में शाओ का बॉस होगा, उसे कलीग्स मिलेंगे जो दुश्मन भी बन सकते हैं, तो फिर मैंने शाओ को ट्रेनिंग दी है फाइटिंग करने की, फाइटिंग तो आनी चाहिए ना, थोड़े पंचेस उसे लग गए हैं। मो कहता है मतलब, शिन कहते ठीक है मैं आपको समझाती हूँ, आप चलो यहाँ से। फिर मो के रूम का जहाँ पर गुस्से में कहता बताओ कि सच क्या है, और मैंने कहा सच बोलना। कहती वो किसी ने आपके बारे में बुरा बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे पंच मार दिया और शाओ ने मेरी हेल्प की उन सबसे फाइटिंग करने में। वो कहता है क्या मेरे लिए तुमने फाइटिंग की। शिन कहते हैं लेकिन आप ज्यादा इमोशनल मत होना, आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है ना। कहता है फैमिली। शिन कहते ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती। मो कहता है क्या फैमिली। फिर आगे जहाँ पर मो बेड पर सोया होता है, उसे देख कर शिन उसके पास जाती है, यहाँ पर उसे टच करने लगती है। तभी शाओ कहता है क्या मजा आया, ये सुनते शिन शॉक हो जाती है, कर लेता है। शिन कहती मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। कहते तुम ये सब क्या कर रही थी। इस पर शिन कहती वो मुझे आप पर शक है कि आप वो सब नहीं कर पाते। मो कहता है वो सब। शिन कहती हाँ वो सब। यहाँ पर शाइफिल करते कहते ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वो कहता है यहाँ सो जाओ, कहती गुड नाइट, और यहाँ पर मो स्माइल देते हुए सो जाता है। फिर सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर शिनी को मैसेज आता है और यहाँ पर वो जीरो गिनने लगती, कहती कितने पैसे। तब यहाँ पर मो आता है और कहता है तुम्हारे इस महीने के खर्चे है। शिनी कहती है क्या इसमें कितने जीरो लगे, मैंने अब तक वो भी नहीं पढ़ा, और ये सारे पैसे मेरे हैं। और यहाँ पर खुशी में मो को पकड़ लेते और कहती आप कितने हैंडसम हो, आप कितने बेस्ट हो, फिर क्या हम शॉपिंग पर चले। मो कहता है ठीक है। फिर आगे जहाँ पर शॉपिंग पे जाती और कहती पहली बार मैंने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है। मो कहते मैं बैग्स को पकड़ लेता हूँ। शिनी कहती नहीं। शौक कहता शॉपिंग का नशा। सुनते मो यहाँ पर स्माइल देता है। शिनी कहती छोटे बच्चे का तुम मार खाना चाहते, और तभी वहाँ पर लीन आता और कहता शिनी तुम यहाँ हो। शिन कहते अब ये कौन है। शिन को धक्का देता और कहता तुम दूर रहो। शिन कहता शिनी मैं तुम्हारा भाई, क्या तुम भूल गई हो। तभी शिन यहाँ पर नॉवेल के शिनी के सीन को याद करती है, जहाँ पर लिन कहता है क्या बस इतने ही पैसे हैं, मैं बस इसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगली बार मैं अपने प्यारे जीजा जी से पैसे मांग लूँ। फिर आगे सीन देखती है जहाँ पर कहते सारे पर्स के पैसे मेरे हैं, और हाँ और पैसों का इंतजाम कर देना वरना मैं। आगे शिनी कहती क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा है। कहता है बस उतने ही पैसे थे, मेरा खर्चा कैसे चलता, वैसे भी तुम तो मो फैमिली की बहू हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी है, मुझे और पैसे चाहिए समझी तुम, वरना। फिर सारी बातें याद कर शिनी कहती तो क्या है, नॉल वाली शिनी का भाई है जिसकी फैमिली ने शिनी को गोद लिया था। और यहाँ पर गुस्से में कहते लीन तुम वैम्पायर हो, तो भूल गई थी तुम्हें। कहता है तमीज से बात करो। शिनी कहती बेटा इसे पकड़ो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। कहता तुम होती कौन हो, मुझसे ऐसी बदतमीजी से बातें करने वाली। तभी शिनी उसके मेन पार्ट पर जोरदार किक मारती है। देखती बाप बेटे यहाँ पर काफी शॉक हो जाते हैं। दिन चलाता है कहता है क्या तुम पागल हो। शिनी गुस्से में कहती तुम बदतमीज लालची कमीने धोखेबाज कहलाने के लायक हो, तुम ऐसे भाई जो अपनी बहन का खून पी जाता है, वो खोलते बस पैसों की बातें करता है, अपनी बहन के सारे पैसे को खा गया तो तुम्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दूंगी। ये सुनते सब यहाँ पर लिन की फोटो लेते और कहते कितना बेशरम भाई है ना। सुनते लिन गुस्से में कहता है शिनी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पर उसे मानने जाता है कि तभी मो शिनी को साइड कर लेता है। फिर से शिनी को मानने जाता है कि तभी शाओ उसे नीचे गिरा देता है अपने पैरों से, और गुस्से में कहता है तुम बहुत ही चिल्ला रहे हो। शिनी ये मत भूलो कि बस एक साल बाकी है तुम्हारे पास, फिर मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा। फिर शाओ कहते क्या इसके कहने का मतलब, एक साल बाद क्या आप डैड से डिवोर्स ले रहे हो। सुनते वहाँ के लोग बातें बनाते और कहते वाह मेरे लोगों की तो अपने ही मजे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हाँ। तभी मो कहता शाओ साइड हो जाओ, फिर हटाओ अपना। लिन से कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की, उसे मारने की, अगली बार तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा, समझे तुम। सुनते लिन यहाँ पर माफी मांगने लगता है, कहता है निकलो यहाँ से, और लिन वहाँ से भाग जाता है। तभी शिनी कहती मिस्टर मो आप कितने हैंडसम लग रहे थे उसे डराते हुए। मो कहता तो क्या वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही मारता था। और यहाँ पर शिनी को अपने पास खींचता है और कहता है डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आप इन दोनों के पैर को देख कर शाओ काफी एम्बेरस फील करता है। तो यहाँ पर सब चिल्लाते कहते हैं किस, हमने कहा किस, और ये सुनते शिनी यहाँ पर शाय फील करते कहती तो क्या हम घर चले, और जाने लगती। वो देख कर शाओ कहता है हे भगवान लोग तो मुझे पब्लिक में एम्बेरस फील करवाते हैं। फिर आगे सिन घर का जहाँ पर शिनी कहते अब ये सब क्या है।
तभी मो की माँ कहती, मेरी बहू ठीक है? मो कहते, मम्मी आप कैसी हो? चा कहते, दादी आप कैसे आई? मो की मम्मी कहती है, मेरी बहू के साथ भी जो कुछ भी वो मामले, मैंने सारी बातें सुनी है, ये रही न्यूज। चा कहते, दादी सब कुछ ठीक है, न्यूज फेक है, आप देखो किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर मो की माँ गुस्से में कहती, लेकिन हमारे घर की बहू को ऑलमोस्ट कोई मारने वाला था, तो फिर तुम दोनों मैंने वहाँ पर क्या कर रहे थे? चीनी कहती, मम्मी दोनों की कोई गलती नहीं थी। मम्मी कहती, जो भी हो ये 200 बॉडीगार्ड्स मेरे हैं और आसे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चीनी कहती, लेकिन मम्मी। मम्मी कहती, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और जाने लगते और कहती, एक और बात, इसे न्यूज में लिखा है 1 साल का मतलब, फिर कैसी न्यूज है तुम दोनों के बीच में? वो कहता, मम्मी उसका मतलब कि 1 साल में हम दोनों बेबी के आने की तैयारी कर रहे हैं ना, इसीलिए। चीनी कहती, क्या? वो कहता, हाँ शर्माओ मत, बताओ इन्हें। चीनी कहती, हाँ मम्मी हम बेबी के आने की तैयारी करने वाले हैं 1 साल के अंदर। इस पर मो की मॉम काफी हैप्पी होती, कहती वाव तो फिर बेस्ट ऑफ लक, और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। आगे चीनी कहती, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये बॉडीगार्ड्स क्या होंगे? मो कहता, तुम इसकी आदत डाल लो। तभी चीनी कहती, कमॉन आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मम्मी तो यहाँ से चली गई ना। और वहाँ से वो चली जाती थी। कहता है बॉडीगार्ड से, तुम सब दूर से मेरी वाइफ पर नजर रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बॉडीगार्ड्स कहते, यस सर। तभी शाओ कहता है, डैड वैसे एक्टिंग का मतलब? मो कहता है, शाओ ये बड़ों की बात है, बच्चे नहीं समझते, तुम जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। और वहाँ से चला जाता है। शाओ कहता है, कोई तो बात जरूर है। फिर आगे सीन जहाँ पर चीनी मो के बारे में सोचते और कहती, नहीं वो बस एक एक्टिंग थी, और वो 1 साल और बच्चा सब कुछ एक्टिंग थी, कुछ नहीं। कहते, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर वो कॉफी कैफे के बारे में सर्च करती, तभी वहाँ पर मो आता और कहता है, तुम क्या कर रही हो? चीनी कहती, कुछ भी तो नहीं। यहाँ पर शाओ आता है, चीनी कहती, शाओ तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करना, चलो यहाँ से, मैं हेल्प करती हूँ। ये जहाँ दोनों कैफे में होते हैं, शाओ कहता है, तो आप मेरे डैड की पीठ पीछे बिजनेस करना चाहती है? चीनी कहती, मतलब? शाओ कहता है, मतलब कि 1 साल बाद आप दोनों का डिवोर्स होने वाला है। चीनी कहती, क्या तुम्हें कैसे पता? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे डैड मुझसे डिवोर्स चाहते हैं। और ये सारी बातें वहाँ पर गुविन सुन लेती है। चीनी कहती है, मुझे तो बस एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। शाओ कहता है, पर क्यों? चीनी कहती, तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों के बीच, जाने दो तुम अभी बच्चे हो। शाओ कहता है, ओके मैं आप दोनों कपल्स के बीच की बातें में नहीं जानना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चीनी कहती, वेट मेरी बात तो सुनो। शाओ कहता है, मुझे गॉसिप नहीं करनी। और चीनी वहाँ से चली जाती। तभी गुविन खुद से कहती है, मो अब बस मेरा होने वाला है। फिर आगे सीन जहाँ पर चीनी कहती है, शाओ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बेस्ट गिफ्ट, मुझे बेस्ट आइडिया देने के लिए कैफे का। वह शाओ कहता है, ओके। और तभी यहाँ पर मो आता है, मो को देखते चीनी कहती बाय और वहाँ से भाग जाती है। मो कहता है, इसे क्या हुआ? वो यहाँ पर शाओ गिफ्ट को ओपन करता है और कहता है, क्या केमिस्ट्री की बुक? तो फिर 1000 रुपए की किताब तुम्हें 10 लाख एडे देने पे गिफ्ट में मिली है। और यहाँ पर वो स्माइल देता है। शाओ कहता है, कमाल है ना। डियर डैड, मैं आपको बता दूं कि आपकी वाइफ बहुत ही जल्द भागने वाली है आपको छोड़ के। उनको मो कहता है, क्या? शाओ वहाँ से चला जाता है। आगे जहाँ पर कैफे में चीनी होती, तभी वहाँ पर गुविन आती है। गुविन कहती, हेलो। चीनी कहती, काम की बात बोलो। कहती, मैं मिस गुविन, मो की होने वाली वाइफ और मो फैमिली की होने वाली बहू हूँ। चीनी कहती, वाओ, लेकिन तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, कहाँ से ऐसे लोग चले आते समझ नहीं आता। और चीनी वहाँ से जाने लगती, तुम मेरे मुँह से दूर रहना, समझी तुम? तभी चीनी गुस्से में कहती है, तो मिस गुविन आप मेरे हस्बैंड से दूर रहना, बात तुम समझी? गुविन गुस्से में कहती है, तुम्हें किसने हक दिया है मेरे साथ बदतमीजी में बात करने के लिए? मो आता और कहता है, मैंने हक दिया है चीनी को। गुविन कहती, मिस्टर मो आप? मो कहता, चीनी से वाइफी घर चले। चीनी कहती, ओके अभी। और वहाँ पर गुविन को चिढ़ाते हुए जाती। तभी गुविन कहती, मो क्या आप जानना नहीं चाहती कि बाइली ने मरने से पहले क्या कहा था? सुनते मो कहता है, चीनी तुम मेरा वेट करो। चीनी कहती, मैं? मो कहता है, मैं अभी आता हूँ। और मुको गुविन के साथ जाता देख यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर मो कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मेरी वाइफ मेरा बाहर वेट कर रही है। गुविन कहती है, मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और क्या आप जानते हो कि मैं आपके लिए परफेक्ट मैच हूँ? मैं और आप? मो कहता है, मुझे बकवास बातें नहीं सुननी, काम की बात बोलो, मुझे बस मेरी बहन के बारे में जानना है, समझी? गुविन कहती है, बाइली शाओ की माँ है, क्या ये बात चीनी जानती है? और जानने के बाद भी पक्का वो तुम्हारे रिश्ते को नहीं समझेगी? मो गुस्से में कहता है, तुम होश में तो हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बायली मेरी बहन जैसी थी, तो फिर अपना गंदा दिमाग तुम मत चलाना आज के बाद, समझी? कहती, तुम मेरी बात को मानो ना मानो कोई बात नहीं, पर शौक की सोतीली मात बनने के काबिल बस मैं हूँ, कहता है। और टाइम खत्म, वहाँ से जाने लगता है। तभी गुविन चिल्लाते कहती, मो बायली ने कहा था कि वो रिग्रेट कर रही है उस मैन से प्यार करके, और वो तुमसे सॉरी कहना चाहती थी, वैसे उसने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था, वो तुम्हें बस अपना छोटा भाई समझती थी।
सिमे कहता है गुवीन मेरा और बाली का रिश्ता सच्चा था, एक सच्चे भाई बहन की तरह, और आगे के बाद ऐसी नॉनसेंस बातें मत करना। सारी बातें दूर से शिनी देखते उसे काफी गुस्सा आता है गुवीन के मो के करीब जाने से। फिर खुद से कहते नहीं मैं मो को नहीं रोक सकती, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। तभी गुवीन कहती मो ये सारी बातें बस मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे बाली के बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन शिनी तुम्हारी बातों को नहीं समझेगी, मो कहता है मैंने कहा मुझसे दूर रहो, वहाँ से धक्का देकर चला जाता है। आगे वो कार में जाता है, कहता शिनी तुम ठीक तो, और यहाँ पर सीट बेल्ट लगाने जाता है। शिनी कहती है आप क्या कर रहे हो, मो कहता है मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। तभी शिनी गुस्से में कहती है मिस्टर मो यहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी सैड होती है अपनी जेलसी में। मो कहता क्या तुम्हें सब कुछ एक्टिंग लगती है, मैं जो कुछ भी करता हूँ। शिनी कहती हाँ, और यहाँ पर मो सैड हो जाता है। आगे गुवीन कहती है मो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बस मेरे हो। और यहाँ पर कॉल करती और कहती है मुझे एक काम है। ये जहाँ पर गुवीन मिलती है शिनी के भाई से और कहती ये रहे पैसे, तुम्हें मेरा काम करना होगा। फिर आगे जहाँ पर न्यूज हेडलाइंस छप जाती है कि मिस्टर मो का मिस गुवीन के साथ अफेयर है, उन्हें कैफे के बाहर एक दूसरे को हक करते हुए देखा गया। यहाँ पर मो गुस्से में कॉल पर कहता है जिसने भी न्यूज को फैलाया है सब पर केस करो और न्यूज को हटाओ। तो यहाँ पर मो शिनी को रोते हुए देखता है, शिनी के पास जाता है और कहता है तुम ये सब देखना बंद करो, ये सब सच नहीं है। और यहाँ पर टैबलेट को छीन लेता है। तब शिनी रोते हुए कहती है मिस्टर मो एक तो मेरा हीरो मर गया, बेचारे मेरी हीरोइन रो रही है और आप मुझे रोने नहीं दे रहे हैं। इस मो देखता है कहता है क्या ये ड्रामा देख रही हो तुम, मैंने तो सोचा। शिनी कहती अच्छा तो आप उस हॉट सर्चेस न्यूज के बारे में बात कर रहे हो, मम्मी ने मुझे कॉल किया था, मैंने उन्हें बता दिया कि सब कुछ ठीक है, सारी फेक न्यूज है, डोंट वरी सासू माँ आपको नहीं डांटेंगी। कहता क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिनी कहती तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो फिर आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, डोंट वरी ये चीटिंग नहीं कहलाएगी। आपने पहले कहा था ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने इससे भी पहले मैंने आपके पास आने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन मुझे लगा कि आपको मैन पसंद है। और कोई बात नहीं, तभी मो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मैन पसंद है, तुम कंफर्म करना चाहती हो कि मुझे क्या पसंद है। और यहाँ पर शिनी के पास आ जाता है, शिनी कहती है मो आप, और यहाँ पर शिनी को किस करने जाता है कि तभी यहाँ पर शाह चिल्लाते हुए आता है, कहता है डैड ये न्यूज। और यहाँ पर दोनों का रोमांस देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है वो मैं, शिनी कहती मैं यहाँ से जा रही हूँ, और चली जाती है। शॉक गुस्से में कहता है डैड क्या आप चीट कर रहे हो। मो कहता है तुम बच्चे हो ये बड़ों की बातें हैं। कहता है जो भी हो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक साल का है, तो फिर क्या आप वेट नहीं कर सकते एक साल पूरे होने का। मो कहता है क्या तुम्हें कैसे पता। शॉक कहता है मैं कोई फूल नहीं हूँ, कहता है शादी आपने ग्रैंडमा के कहने पर और मेरे लिए किया, लेकिन कहता है शाओ तुम अभी बच्चे हो, ये बड़ों की बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी मैंने क्यों किया। इस पर शाओ कहता है डैड मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बच्चा नहीं रहा और आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ठीक है आप शिनी से प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं आप डिवोर्स दे दो उन्हें, लेकिन अगर आप में शिनी से प्यार करते हो तो फिर आप अपनी खुशी मेरी वजह से मत खोना, आप उनसे प्यार करते तो फिर आप उन्हें कन्फेस भी कर सकते। वहाँ से शाओ चला जाता है। मो खुद से कहता है शाओ अभी भी बेबी है। सीन जहाँ पर मो शिनी को लेकर जाता है, शिनी कहते हम कहाँ आए हैं और ये कौन है। मो कहता है ये बायली है शाओ की बायोलॉजिकल मदर। शिनी कहती क्या इसका मतलब ये आपकी लवर है। मो कहता है ये मेरी बहन है। पर शिनी शाओ को कहती है क्या तो फिर शाओ आपका और आपकी बहन का बेटा है। कहता क्या तुम पागल हो गई हो, उसका सरनेम ली है और मेरा सरनेम मो है, हम सगी भाई बहन नहीं है, वो हमारी फैमिली की गोद ली गई बेटी है, वो मेरी बहन थी। शिनी कहती है अच्छा तो फिर आप दोनों का खून का रिश्ता नहीं है और शाओ आपका बेटा है। मो कहता है शाओ मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। और यहाँ पर याद करता है और बताता है जहाँ पर मो की मॉम कहती है बायली वो लड़का सही नहीं है जिसे तुम प्यार करती हो। बायली कहती मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। और यहाँ पर मो की मॉम काफी ज्यादा समझाती है बायली को कि उसे छोड़ दे। तभी बायली गुस्से में कहती मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मो की मॉम कहती वो बस तुमसे पैसों के लिए प्यार करता है। बायली अपन की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती। तभी मो अपनी माँ को पकड़ता और कहता है मॉम डोंट वरी वो जल्दी घर आ जाएंगी। और यहाँ पर मो की मॉम काफी शॉक हो जाती है। मौसम सिंह देखते मो कहाँ जहाँ पर शिनी से कहता है वो उस आदमी ने मेरी बहन बायली से प्यार बस पैसों के लिए किया था, वो जानता था कि बायली मो फैमिली के अडॉप्ट की गई बेटी है। इस बात को उसने फायदा उठाया, बायली को फंसाया। फिर आगे उसने बायली के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, उस पर ढेर सारा टॉर्चर किया। लेकिन सारी बात हमें काफी लेट पता चली और जब हमें सच पता चला काफी लेट हो चुका था और बायली इस दुनिया से जा चुकी थी। करता है जहाँ पर मो की मॉम बायली को देख काफी रोती है और चिल्लाती मेरी बेटी तुम्हें क्या हुआ तुम होश में आओ। अभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है आपकी बेटी की डेथ हो गई जन्म देते समय, लेकिन उनका बच्चा काफी हेल्दी है। और यहाँ पर डॉक्टर के हाथ में शाओ होता है। देखती मो की माँ काफी गुस्सा हो जाती है, कहती तुम्हारी वजह से मैंने मेरी बेटी खोई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहता है मॉम होश में आओ, ये बेटा मेरी दीदी की आखिरी निशानी है और आज से मेरी जिम्मेदारी है। इन सारे बातों में इस मासूम की क्या गलती है और आज से मैं इसका डैड हूँ।
और फिर हम सीन देखते हैं शिनी का, जहाँ पर शिनी कहती तो फिर आपने शाओ क्या ने अपनी दी के बेटे को गोद लिया है, पर 15 साल का था जब मुझे शाओ मिला था और मेरी दीदी तब 23 साल की थी, वो मुझसे 8 साल बड़ी है, मैं उनसे छोटा था। इस पर शिन कहती तभी तो मैं सोचूं कि आप सिर्फ 34 साल के और आपका बेटा कैसे हो सकता है और आप इतने यंग कैसे दिखते हो, हैंडसम कैसे दिखते हो, आपकी एज इतनी कम क्यों है आपके बेटे होने के बाद भी। कहता शिनी मैं गुवेन से बस बायली के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं उससे बात करने चला गया था, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। शिनी कहती आई डोंट केयर। मो कहता लेकिन मैं चाहता तुम मेरी सारी बातों की केयर करो। इस पर शिनी कहती नहीं, अब आप ही सोचो कि प्यार लड़कियों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी बहन की स्टोरी आप देख सकते हो, इस स्टोरी ने तो मेरी आंखें खोल दी है कि मैन कितने कमीने होते किस हद तक वो जा सकते हैं। आज के बाद तो मैं किसी से भी प्यार करने के बारे में नहीं सोचूंगी, प्यार नाम की चिड़िया मुझे नहीं चाहिए। उनको मो कहता है शिनी तुम घर चलो। फिर आगे सीन कार का, जहाँ पर शिनी कहते आप इतने सैड क्यों अपनी बहन की वजह से, कोई बात नहीं आप स्वीट खा लो। मो कहता है मुझे नहीं पसंद। शिनी कहती कमॉन आप खा तो लो। मो कहता है मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। शिनी कहती कमॉन, और आप उसे कैंडी खिलाती है। यहाँ पर मो को देखने लगती है। मो कहता है तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं कहीं कुछ गलत ना समझ लूँ। शिनी कहती क्या। मो कहता है कुछ नहीं। ये सीन शाओ के रूम का, जहाँ पर पढ़ रहा था, तभी शिनी अचानक से कहती है शाओ मेरे प्यारे बेटे। तभी शाओ कहता है आपने तो मुझे डरा दिया, क्या बात है। शिनी कहती मुझे लगा कि तुम बिगड़ेल हो, झगड़ालू हो, एक नंबर के शैतान बच्चे हो। शाओ शॉक होकर कहता है क्या। शिनी कहती पर मैं गलत थी, तुम कितने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, टॉल हो, इनोसेंट हो, क्यूट हो, स्वीट हो, केयरिंग हो, लवली हो और कितने हॉट हो। उनको शॉक कहता है डैड आपकी वाइफ का दिमाग खराब हो गया है। और यहाँ पर शिनी को अपने रूम से निकालता है और कहता है आप जाओ यहाँ से, और यहाँ पर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी मो आता है और कहता है क्या हुआ। शिनी कहती मैंने तो बस शाओ की तारीफ की थी, उसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। मो कहता है तुम भी ना। शिनी कहती है मेरे जैसी कोई नहीं है, काफी अच्छी हूँ ना। मो कहता है सारी फेक न्यूज लिन ने फैलाई थी। पर शिनी कहती अब। मो कहता है मैंने उसे लास्ट वार्निंग दी है और मैंने उस पर केस भी किया है। और शिनी तुम्हारे लिए। पर शिनी कॉफी के कैफे के कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और कहती क्या आपको कैसे पता चला मुझे ये चाहिए। मो कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शिनी कहती क्या कोई आप मुझसे प्यार तो नहीं करते। इस तरह वो चुप हो जाता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं लीन का, जहाँ पर गुवेन से कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने फेक न्यूज फैलाई और अब देखो मो मेरे पीछे पड़ चुका है, उसने मुझ पर केस कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। गुवेन कहती है तुम्हारे पैसे काफी है, यहाँ पर और पैसे देती है और कहती है मेरा काम करना होगा। लीन कहता है आगे क्या करना है। अंग्रेजा शिनी जाती है शाओ के पास और गुस्से में कहती है तुम धोखेबाज बच्चे। शाओ कहता है क्या कॉफी शॉप का कॉन्ट्रैक्ट। शिनी कहती क्या अच्छा तो फिर तुमने नहीं बताया मो को इसके बारे में। अच्छा मिस्टर मो बहुत ही स्मार्ट है, सब कुछ पता लगा ही लेते हैं, तो फिर अब बताओ मैं क्या करूँ। इस कैफे में तो उनकी भी पार्टनरशिप रहेगी, तो फिर डिवोर्स की बात वो मेरे साथ रहेंगे। इस पर शाओ स्माइल देता है और कहते कंग्रेचुलेशन आप मिस्टर मो के जाल में फंस चुकी है। शिनी कहती क्या मैं फंस गई। इस पर शाओ कुछ नहीं कहता, अपने म्यूजिक को सुनता है और अपने मन में कहता है सच में प्यार में दोनों पागल हो गए, किसी को समझ ही नहीं आता। फिर आगे जा शिनी कहती है मो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन करूंगी, मैं इस कैफे को नहीं चाहती। मो कहता है क्यों। शिनी कहती है कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, इतना महंगा कैफे आखिर ये सब क्यों, आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते ना। तभी मो कहता तुम मेरे साथ चलो। आगे देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है खोलो उसे। शिनी कहती ये क्या है। मो कहता इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे डेट है। तभी शिनी उसे ओपन करती और कहती क्या ये सब कुछ। कहता इसमें मेरे सारे प्रॉपर्टीज के पेपर है, रियल स्टॉक के स्टेटमेंट है, इसमें गोल्ड बार है और हाँ मेरे सारे शेयर्स की प्रॉपर्टी की जानकारी है इसमें। कहते क्या तो ये सब कुछ शो ऑफ है। इस पर मो कहता नहीं ये सब कुछ तुम्हारा है शिनी में तुम से। तभी शिनी कहते नहीं मुझे नहीं सुनना, आप पहले पासवर्ड चेंज करो इसका, अगर मेरे मन में कुछ आया और मैं सब कुछ लेकर भाग गई तो आप क्या करोगे। मो कहता है ठीक है तुम सब कुछ लेकर भाग सकती हो, लेकिन भागते समय तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, मैं सारी चीजों के साथ फ्री हूँ तुम्हारे लिए। शिनी कहती है आप। मो कहता शिनी मेरी आंखों में देखो। शिनी कहती मतलब। मो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर रोशन को किस करने जाता है कि किस होने वाली होती कि तभी फिर से यहाँ पर फोन रिंग कर देता है और यहाँ पर फिर से किस नहीं हो पाती और शिनी वहाँ से भाग जाती है। एक सीन कैफे का, जहाँ पर शिनी फिर से मिलती है गुवेन से, जहाँ पर गुवेन कहती है शिनी तुम्हें कितने अमाउंट चाहिए मो को छोड़ने के लिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम इस ब्लैंक चेक में भर सकते हो। इस पर शिनी कहती क्या सच में ब्लैंक चेक है। गुवेन कहती हाँ तुम अमाउंट भरो और मो को छोड़ो। वो देखकर शिनी मन में कहती है तो बिल्कुल ड्रामा की तरह हो रहा है। रैपर अमाउंट फिल करके गुवेन को देखती है, वो देख गुवेन कहती क्या तुम पागल हो 900 मिलियन। शिनी कहती हाँ इतने पैसे दो और मो को ले लो वरना मैं हैप्पी हूँ मिस मो बनके। ठीक है तो भाई मैं यहाँ से जो आती हूँ। तभी गुवेन गुस्से में कहती शिनी मो तुम्हें डिवोर्स देने वाला है, वो तुम्हें कभी प्यार करने का चांस नहीं देगा।
पर शिनी स्माइल देती और कहती, मैं तुम्हें दो बातें बताती हूँ। फर्स्ट कि मो तुम्हें कभी अपने पास आने का चांस नहीं देगा, और सेकंड कि मो पूरी जिंदगी तुम्हें चांस नहीं देगा। तभी ग्वेन कहती, शिनी तुम जानते हो कि मैं कितने रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड मो के बिजनेस पार्टनर है, मैं तुम्हारी तरह अडॉप्ट की गई बेटी नहीं हूँ जिसे अपने माँ बाप के बारे में पता ही नहीं। शिनी गुस्से में कहती, तुम्हें जो कहना कहो लेकिन मेरे हस्बैंड से दूर रहना, ये लास्ट वार्निंग है। ये सुनते ग्वेन यहाँ पर शिनी पर पानी फेंक देती है। इस पर शिनी भी गुस्से में ग्वेन के सिर पर पानी डाल देती और यहाँ पर दोनों की अच्छी खासी जबरदस्त लड़ाई होने लगती। और तभी वहाँ पर मो आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी ग्वेन कहती, मो अच्छा हो तुम यहाँ आ गई, ये देखो ये बदतमीज लड़की। मो कहता है, ग्वेन से मुझसे दूर रहो। और वाइफी तुम ठीक तो हो। शिनी कहती, नहीं। मो कहता, तुम्हें तो इसकी पिटाई कर देनी चाहिए थी। इस पर शिनी कहती, ओके हस्बैंड। तभी ग्वेन कहती, मिस्टर मो, मैं आपके लिए परफेक्ट मैच हूँ। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने पढ़ाई भी शिनी से ज्यादा की है, तो आप मुझे चूज क्यों नहीं करते अपनी वाइफ बनने के लिए। पर मो गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मिस अंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूँ कि हम दोनों परफेक्ट मैच है। और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, मिस ग्वेन के डैड, मिस्टर वॉन के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, और वो भी अभी के अभी। और वैसे दोनों चले जाते सीन जहाँ पर ग्वेन के डैड से थप्पड़ मारते और कहते हैं, तुमने मो की वाइफ की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट मो कंपनी से कैंसिल हो गए, और अब हमारे कस्टमर भी भाग गए, कोई हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं भिखारी बनने वाला हूँ। गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर ग्वेन गुस्से में कहती है, शिनी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीन जहाँ पर शिनी होती है शॉ के स्कूल के सामने और कहती हाय। शाह उसके पास आ रहा होता है कि तभी उसकी किडनैपिंग हो जाती है। तो देखती है शिनी यहाँ पर किडनैपर की कार का पीछा करती है, और तभी बॉडीगार्ड यहाँ पर कॉल करता है और कहता है, मिस शिनी और मिस्टर शाह की जान खतरे में है। मो कहता है, मुझे जल्दी लोकेशन भेजो। फिर आगे सीन जहाँ पर मो देखता है कि शिनी की कार का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पर चिल्लाते कहता है, शिनी शिनी तुम कहाँ हो। और यहाँ पर शिनी चलते मो के पास आती है। मो कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी शाह कार से बाहर आता और कहता है, डैड मेरी किडनैपिंग हुई थी राइट, आप भूल गए। कहते हैं, शिनी तुम ठीक तो हो, क्या उसने तुम्हें मारा। वे यहाँ पर थोड़े समय पहले का सीन याद करती है जहाँ पर जानबूझकर किडनैपर की कार का एक्सीडेंट कर देती है और यहाँ पर उसके सिर पर चोट लग जाती है, और गुंडा डर से वहाँ से भाग जाता है। शिनी किडनैपर की कार के पास जाती है और कहती, तुम कमीने। तभी देखते लिन, ये तुम हो। लिन कहते, नहीं मैं लिन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, मुझे तुमसे पैसे चाहिए। तभी शिनी कहती, शाओ दो मुझे। यहाँ पर लिन शिनी की बात नहीं मानता। तभी शिनी यहाँ लिन के सिर पर जोरदार वार कर देती है, वो बेहोश हो जाता है। तभी शिनी घबरा जाती है, कहती क्या, कहीं मर तो नहीं गया, मैं चेक कर लेती हूँ। और कहती, नहीं ये तो जिंदा है। कहती निकलो कार से, और इनको धक्का देके नीचे गिरा देती है। तभी शाओ के पास जाते और कहती, मेरा बेटा शाओ उठो जल्दी, डोंट वरी मैं तुम्हें बचा लूंगी। यहाँ पर शाओ को बचाने के चक्कर में गलती से शिनी शाओ के सिर को सीट पे जोर से मार देती है। शाओ चिल्लाता, ये क्या हो रहा है। शिनी कहती कुछ नहीं की। तभी शिनी के सिर से शाओ के नोज पर चोट लग जाती है। शाओ कहता, प्लीज आप मेरी हेल्प मत करो। शिनी कहती, तो फिर। शाओ कहता है, मैं खुद बाहर आ जाता हूँ। वो शिनी कहती, मेरा बेटा नोज ब्लीड करते समय भी कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है। सीन देखते मो कहाँ जहाँ पर गुस्से में कहता है, डोंट वरी मैं आ चुका हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ पर लिन शिनी को मारने जाता है कि तभी मो उसे बचा लेता है। और यहाँ पर मो के सिर पर काफी तेज चोट लग जाती है। यहाँ मो बेहोश हो जाता है, और शिनी के सिर पर चोट लगने से शॉक लगने से वो भी बेहोश हो जाती है। शॉ दोनों को पकड़ता है और चिल्लाता है, कहता है मॉम डैड। फिर आगे सीन हॉस्पिटल का जहाँ पर शिनी कहती है, भगवान प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो। और तभी वो डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, सॉरी हम नहीं बचा पाए। शिनी शॉक हो जाती है, कहती क्या मो आप नहीं मर सकते, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप नहीं जगे तो फिर मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दूंगी, शॉक को परेशान करूंगी, मैंने कहा जग जाओ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और यहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर मो आता है, स्माइल देते और कहता है, डोंट वरी मैं तुम्हें विधवा नहीं बनाऊंगा। वो देखते है शिनी मो के पास आती और उठते हुए कहती है, मैं तो डरी गई थी। तभी शॉक कहता है, कौन कह रहा था कि मैं डैड की कंपनी को बर्बाद कर देगा और मुझे भी बर्बाद कर देगा। कहती है, जब मुझे चक्कर आए थे तब मुझे मॉम कहकर कौन बुला रहा था। शॉक कहता है, मेरे सिर में दर्द होता है, डॉक्टर प्लीज आप मुझे चेक करो। और वहाँ से वो चला जाता है। फिर शिनी कहते हैं, आपकी सिर का चोट कैसा है। तभी मो कहता है, शिनी मैं तुमसे यहाँ पर कन्फेस करने चाहता है अपना प्यार। तभी शिनी कहती है, मेरे सिर में दर्द है, मैं जाकर चेकअप करवा लेती हूँ। तभी मो कहता है, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्यों। शिनी कहती, मैं क्या करूं, आपने कहा था कि ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और आप अब कह रहे कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कब हुआ। मो कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद जब तुमने शाओ के लिए ढेर सारे स्नैक्स लाए थे, या फिर जब तुमने शाओ के लिए नशे वाले पानी पी लिया था, या फिर तुम्हारी पागलों वाली बातें जो मैं हमेशा सुनता हूँ, फिर तुम्हारी फाइटिंग सच बताने के लिए, या फिर जब तुमने शाओ की तारीफ की थी उसे कम्फर्ट करने के लिए, और तुम्हारी पागलपन। तभी शिनी कहती, वेट
आगे कुछ मत बोलना, लगता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो गया है चोट लगने की वजह से। इस पर मो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और रैपर जोर से अपना सिर हिलाता है और कहता है, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ चीनी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रियल कपल बने। पर चीनी कहती मैं कि तभी यहाँ पर मो बेहोश हो जाता है। शिनी चिल्लाती डॉक्टर। फिर आगे हम सीन देखते हैं जब डॉक्टर कहते हैं इन्हें आराम करने की जरूरत है। किसने कहा इनसे इतना जोर से सिर हिलाने को, इनको सिर पर चोट लगी है ना, आराम करना आप समझी। तभी शिनी कहती ओके। फिर आगे सीन जहाँ पर शिनी मो के पास ही सो जाती है। फिर आगे सीन मिडनाइट का जहाँ पर मो उठता है और यहाँ पर शिनी को देखता है, उसे अपने बेड पर सुला देता है। फिर आगे सीन मॉर्निंग का जहाँ पर मो शिनी को देखता ही रहता है और कहता है वाइफी गुड मॉर्निंग। वो देखकर शिनी यहाँ पर गिरने जाती कि तभी मो उसे पकड़ लेता है और मो का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वो शिनी को किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर चिल्लाता है और कहता है मिस्टर मो मिस शिनी आप दोनों क्या कर रहे हैं, इस ड्रामा में ना सब कोई किसिंग के ही दुश्मन है। फिर इन दोनों की किस नहीं हो पाती। आकर डॉक्टर डांटते हुए कहता है मानता हूँ कि आप दोनों यंग है, अच्छा रिश्ता है, पर ये जगह और आपकी ऐसी हालत। शिनी कहते हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। मो कहता है ठीक है मैं आगे क्या करना है। डॉक्टर कहता है आप दोनों को खुद पर कंट्रोल करना है, आप 2 हफ्ते का वेट करो, उसके बाद आपको जो करना करो आपकी मर्जी। वहाँ से किसी में चला जाता है और उसके जाते फिर से यहाँ पर मिस्टर रोमांटिक स्टार्ट हो जाते है। वो शिनी को किस कहने जाते है। वहाँ पर शाह चिल्लाते हुए आता है और कहता है डैड आप ठीक तो होगी। तभी वो उन दोनों को देखता है, फिर से इनकी किस नहीं हो पाती। शाह काफी इरिटेट हो जाता है और कहता है मैं आप दोनों से भीख मांगता हूँ, आप कम से कम आसपास तो देख लो कौन है और कौन नहीं, मुझे हमेशा सब कुछ क्यों देखना पड़ता है। आपको ये बताने आया था किडनैपिंग गुविन के कहने पर लिन ने किया था, उसे गुविन ने पैसे दिए थे। इस पर मैं गुस्से में कहता इस बार तो दोनों नहीं बचेंगे। विशी ने कहते तो क्या आप दोनों मिलकर उन दोनों को जान से मार डालोगे। शौक होता कहते क्या हम आपको क्या दिखाई देते हैं गुंडे। ऑफ कोर्स हम कानून का यूज करेंगे, शिनी कहती मैंने सोचा कि हम कुछ कूल करेंगे। तभी शाह कहता है डैड आप अपनी वाइफ के सिर को चेक करवाइए, मैं जाकर सब संभालता हूँ। तभी शिनी कहती नहीं मैं भी चलूंगी। इस पर शाह कहता है नहीं आप आराम करो। शिनी कहती मैंने कहा ना प्लीज मुझे ले चलो। इस पर मो कहता ठीक है तुम शिनी को ले जाओ। अगले सीन जहाँ पर गुविन भाग रही होती तभी शाह और शिनी वहाँ पहुँच जाते। शाह कहता तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें क्या लगा किडनैपिंग के बाद तुम बच के भाग जाओगी। गुविन कहती मैंने कुछ नहीं किया शाह, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शौक कहता है ये सारी बातें जाकर पुलिस स्टेशन में बताना, इसे ले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर गुविन चिल्लाती और कहती शौक तुम्हारी माँ और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, अगर उसे पता चलेगा कि तुम इतना रूड बिहेव करे मेरे साथ वो कितनी सैड होगी। तभी शिनी गुस्से में कहती तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी गुविन कहती शौक मुझे पता है तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम का नाम बाइली था, से मो फैमिली ने अडॉप्ट किया था। तभी शिनी कहती शौक इसकी बातों में मत आओ। गुविन कहती तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें सारा सच बताऊंगी। शाह गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं है। ये गुविन यहाँ पर झूठ बोलती और कहती तुम्हारे मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मो के बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, वो तुम्हारी मॉम से प्यार करता था इसलिए उसने तुम्हारी मॉम को मजबूर किया तुम्हारे डैड से दूर होने के लिए, उसने फोर्स किया तुम्हारी मॉम को मरने के लिए। देशी ने गुविन को जोर से थप्पड़ मारे थे और कहती अपनी गंदी जबान बंद रखो। फिर से कोई थप्पड़ मारे थे और कहती ये सब कुछ मेरे बेटे को भड़काने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलने पे। शाह से कहती शाह तुम इस झूठी की बातों पर ट्रस्ट मत करना। बॉर्ड गार्ड्स को वहाँ से गुविन को लेकर जाने के लिए कहती। भी शाह कहता है मुझे पता है कि मैं मिस्टर मो का बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ। शिनी कहती तुम्हें कैसे पता। शाह कहता जब मैं यंग था तब मुझे लिखना आ गया था, आपको पता है कि इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स लिख नहीं पाते। शिनी कहती है मतलब, शाह कहते कि आप अनपढ़ हो। शिनी कहती हाँ मुझे तो 685 मार्क मिले थे और मो को तो 990 मार्क मिले हैं और तुम्हें तो 999 मार्क मिले हैं, मैं तुम दोनों से थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन शाह तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। शाह कहता है मुझे पता है। शिनी कहती तुम्हें जो भी डाउट हो जाकर अपने डैड से पूछ लेना। शाह कहता मतलब आपको सब कुछ पता है तो फिर आप मुझे बताओ। शिनी कहती क्या तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट करोगे। शाह कहता ऑफ कोर्स। फिर आगे सीन जहाँ पर शिनी शाह दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और शिनी यहाँ पर मो की सारी बताई गई बातों को बताती है। कहती मुझे तो बस इतना ही पता है लेकिन आगे की सारी बातें तुम मो से खुद पूछ सकते हो। फिर आगे सीन जहाँ पर मो कहता है पक्का तुम कॉफी शॉप के स्टाफ का इंटरव्यू खुद ले सकती हो। शिनी कहती हाँ तो मैं खुद स्टाफ को चूज कर सकती हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। मो कहता मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। शिनी कहती हाँ मैं खुद कर लूंगी। मो कहता और मेरे प्यार के बारे में क्या। शिनी कहती मैंने तो अभी हाँ नहीं कहा ना। मो कहता तुम जरूर कहोगी। शिनी कहती इतनी आसानी से तुम्हें हाँ नहीं कहने वाली। मो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो तभी हम देखते हैं न्यू कैरेक्टर फू को जहाँ पर कहता है क्या मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला। फिर आगे सीन कैफे का जहाँ पर कहते अच्छा तो फिर तुम्हारा नाम फू है और तुम स्टोर मैनेजर रह चुके हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है 2 साल का। फू कहता है हाँ। शिनी कहते ठीक है आज से तुम मेरे कैफे के मेंबर।
फिर आगे सीन जहाँ पर शिनी के कैफे की ओपनिंग होती है। चीनी कहती है कि मेरे शॉप में कॉफी के साथ साथ फ्लावर्स भी बिकेंगे। तो उनके सब कहते क्या कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, कहता ये सब क्या है। चीनी कहते ये मेरा प्लान है। ध्यान से सोचो यहाँ पर इतने सारे विला है और हमें अपने फ्लावर्स बेचने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और अपना प्लान बताती और कहती इस तरह मैं साल के 1 मिलियन तक कमा लूंगी। मुकेतल लेकिन तुमने फ्लावर्स के दाम काफी ज्यादा रखे हैं। चीनी कहती है मतलब, शाओ कहता है डैड का मतलब कि फ्लावर्स तो फ्लावर्स होते हैं ना, आप इतने ज्यादा महंगे बेचोगी तो लोग आपसे जल्दी बाय नहीं करेंगे, वो दूसरे शॉपर्स के पास चले जाएंगे, तो आपको फ्लावर्स के दाम थोड़े से कम करने चाहिए। पर चीनी कहती ठीक है मैं जाकर प्राइस को कम करती। और शाओ तुम कितने स्मार्ट हो ना, तुम्हारे इतने अच्छे आइडिया के लिए मैं तुम्हें शेयर्स भी दूंगी अपने पैसों में से। और वहाँ से वो चली जाती है। तो भी शौक कहता है डैड में कितना स्मार्ट हूँ ना, और आप इस पर मुख कहता है तुम मुझे मत सिखाओ बेबी बॉय। यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे जहाँ पर शाओ शिन के कैफे में होता है, तभी वहाँ पर फूड रिसर्च केमिस्ट्री की बुक्स को लेकर आता है। शाओ कहता है ये क्या है। शिन कहती प्यारे बच्चे अब थैंक यू मत कहना, मुझे पता है तुम काफी हार्ट टचड हो चुके हो, मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उतनी सारी बुक देख कर यहाँ पर शाओ बेहोश हो जाता है। आगे सीन जहाँ पर गुविन ने जो किडनैपिंग की थी शाओ और शिनी की, उसका पूरा इल्जाम गुविन के डैड खुद पर ले लेते हैं और यहाँ वो जेल चले जाते हैं। तो समय कहते हैं गुविन तुम सिटी को छोड़कर चले जाओ और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना, यहाँ वापस मत आना। और वो देख कर यहाँ पर गुविन गुस्से में कहती है अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ हम शाओ के डैड ने झाओ को जेल से निकलते हुए देखते। फिर आगे सीन जहाँ पर गुविन मिलती है झाओ से और कहते तुम तो बाइली के लवर हो ना झाओ। झाओ कहते तुम गुविन तुम यहाँ क्या कर रही हो। गुविन कहती है तुमने ढेर सारे कर्जे लिए, चोरी की, मारपीट की, उसके बाद तुम जेल चले गए, हमारी वजह से तुम्हारी वाइफ की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जेल जाने के बाद बाली ने एक बेटे को जन्म दिया था और अभी बाली की डेथ हो चुकी है। और उसका बेटा शाओ मो फैमिली का होने वाला नया वारिस है, मो कंपनी का नया मास्टर। सुनते झाओ कहता है क्या मैं अमीर बनूंगा। तभी गुविन कहती है लेकिन शाओ की सौतेली माँ तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी, शाओ को घर से निकालना चाहती है, तो फिर तुम अमीर कैसे बनोगे। और इन सारी बातों की कोई रिकॉर्डिंग करता है। फिर आगे सीन जहाँ पर झाओ की शिनी किडनैपिंग करवा लेती है, कहती मो से यही है झाओ जो कि गुविन से मिला था। तभी यहाँ पर मो गुस्से में झाओ को किक मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। फिर झाओ कहता है प्लीज मुझे मत मार, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरा बेटा शाओ मो कंपनी का होने वाला नया वारिस है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मो गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे शाओ का नाम लिया। ड्राइवर से फिर से मारता है और कहता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम सिटी छोड़कर चले जाओ या फिर मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगा। झाओ कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, शाओ मेरा बेटा है। इस पर मो गुस्से में कहता है फेंको इसे छत पे से। फिर झाओ कहता है मुझे माफ कर दो, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिटी छोड़कर चला जाऊंगा। फिर आगे सीन जहाँ पर झाओ शहर छोड़कर जाने की तैयारी करता है, तभी वहाँ पर गुविन आती और कहती मेरे पास एक प्लान है। ये सीन शाओ के कॉलेज का जहाँ पर मो शिनी को किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। शिनी कहती मेरे प्यारे बेटे तुमने क्या हेयर स्टाइल बनाई है, तुम 19 साल के हो और ये देखो तुम 50 के दिख रहे हो इस हेयर स्टाइल में। शाओ कहता है मैं बस मैच्योर दिखना चाहता हूँ। शिनी कहती ठीक है लेकिन आज के बाद इसे ट्राई मत करना कि चलो हम पिक को लेते हैं। और तभी यहाँ पर हम झाओ को देखते हैं जो कि तीनों पर नजर रखे होता है। शिनी कहती डैड की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा प्यार सा गिफ्ट तुम्हारे कॉलेज में पास होने की खुशी में, तुम हमेशा हैप्पी रहो। वो देख कर शाओ कहते हैं वाओ मेरे लिए कार, कहता है आई होप तुम हमेशा आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। शाओ कहता है थैंक यू डैड। कहता है और आपकी तरफ से मेरे लिए क्या गिफ्ट है। शिनी कहती है वो फूक से खरीदने गया है, काफी लंबी लाइन है ना, वो आता ही होगा। शाओ कहता है आप भी ना। शिनी कहती जाकर कार देख लो। शाओ कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। कहती मैं तो भूल गई उसको तो परसों ड्राइविंग लाइसेंस मिला है ना, जल्दी जाओ उसे देखो क्या कर रहा है। कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तभी थोड़े टाइम बाद वहाँ एक मैन आता है और कहता है आपका बेटा वहाँ लड़ाई कर रहा है, आपके हस्बैंड भी वहाँ है। वो सुनते शिनी कहती ठीक है मैं चलती हूँ। फिर आगे जहाँ पर शिनी कहती शाओ तुम कहाँ हो, तभी उसे फू का कॉल आता है, कहता है शिनी आप कहाँ हैं। शिनी कहती है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। फिर झाओ यहाँ पर शिनी की किडनैपिंग कर लेता है। फिर आगे जहाँ पर फू भागते हुए आता है और देखता है कि शिनी तो वहाँ है नहीं, वहाँ पर उसका बस फोन है। तभी अपने भाई को कॉल करता है और कहता है भैया दीदी कुछ हो चुका है। आगे जहाँ पर झाओ शिनी से कहता है मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे कहो कि वो 2 बिलियन लेकर तुम्हारे पास आ जाए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर शिनी कहती है मैं और मो बस एक फेक कपल है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, वो तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला मेरे बदले, वो मुझे बचाने कभी नहीं आएगा, बस अपने बेटे शाओ से प्यार करता है और इस टाइम वो तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा होगा। ये सुनते यहाँ पर झाओ काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर गुविन आती और कहती शिनी झूठ बोलना बंद करो। इस पर शिनी गुस्से में कहती तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड जेल चले गए फिर भी तुमने अपने घटियापन नहीं छोड़ा,
सच में मो को तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। तभी ग्विन यहाँ पर शिनी को थप्पड़ मारती और कहती मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और यहाँ पर से कपड़ों को उतारने जाती शिनी कहती ये क्या। ग्विन कहती है बिना कपड़ों की तुम्हारी फोटो पूरे सिटी के दीवारों पर इंटरनेट पर होगी। उसके बाद क्या मो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हें चाहेगा, मैं मो का रोता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। तभी शिनी यहाँ पर धीरे से अपनी रस्सी खोलती है। ग्विन के तेजाव से जल्दी करो तुम मेरा मुँह क्या देख रहे हो। वहाँ रूम में फू आ जाता है। यहाँ पर जाओ शिनी को पकड़ लेता है और यहाँ पर से कोई गोली खिला देता है और यहाँ पर शिनी बेहोश होने लगती है। जाओ कहते तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हम यहाँ से जाने दो क्योंकि तुम अकेले हम दोनों को नहीं पकड़ पाओगे और जो दवाई मैंने अभी शिनी को खिलाई है उसे वो मरने वाली है, तो फिर तुम चाहो तो इस हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो, फैसला तुम्हारा। तभी फू कहता है शिनी को छोड़ो और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। और तभी फू शिनी से कहते दीदी आप ठीक तो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। शिनी कहती तुम कौन हो, मुझसे दूर हो, मैंने कहा ना दूर रहो। तभी फू कहता है मैं हूँ, मैं आपका भाई। तभी वहाँ पर मो आ जाता है और कहता है शिनी, और यहाँ पर शिनी मो को किस करने लगती है, दोनों की किसिंग चालू हो जाती है। तभी वहाँ पर शाह भागते हुए आता है और कहता है मम्मी, और तभी वो अपने डैड और मम्मी को किस करते हुए देखता है और काफी एम्बेरस फील करता है। फिर आगे मो शिनी को लेकर जाता है अपने घर और तभी यहाँ फू कॉल करता है और कहता है झाऊ और गुविन के बारे में पता करो कि वो कहाँ है, मैं उन्हें मार डालूंगा। मो के घर का जहाँ पर मो कहता है शिनी मैं तुम्हारे चोट पर मेडिसिन लगाता हूँ। शिनी कहती मुझे मेडिसिन नहीं, मुझे आप चाहिए। सब मो कहता है शिनी, शिनी कहती मैंने कहा ना, और आप उसे किस करने लगती है। तभी मो कहता क्या तुम श्योर इस बारे में, शिनी कहती 100% मैं श्योर हूँ। और यहाँ पर दोनों फाइनली इंटीमेट होते हैं। आगे सिन मॉर्निंग का जहाँ पर शाह गुस्से में फू को देखता है। तभी वह मो आता है, फू कहता है शिनी ठीक तो है। तभी शाह मो गुस्से में कहते हैं शिनी के बारे में तुम नहीं पूछ सकते, तुम होते कौन पूछने वाले। फिर शाह से कहते तुम जाओ अपनी माँ का ख्याल रखो। कहता है फू से शिनी मेरी वाइफ है और मिस्टर फू आप तो फैंग कंपनी के चेयरमैन है, तो यहाँ क्या रीजन है आपके आने का, आप मेरी वाइफ से क्या चाहते हो। तभी फू कहता है ठीक है तो फिर तुमने पता लगा ही लिया, तो फिर तुम्हारी वाइफ मेरी बहन है। और तभी वहाँ पर शिनी आती और कहती क्या बात है। मैं कहता तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। शिनी कहती आप भी ना। से कहती थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारी सैलरी डबल करने वाली हूँ। फिर फू कहता है आप मेरी दीदी हो। कहती है क्या। फू कहता है हाँ हम 4 साल के थे जब हम साथ में सैंड में खेल रहे थे और तभी वहाँ पर तुम खो गई, मॉम डैड ने तुम्हें बहुत खोजा, तुम नहीं मिली, उसके बाद इनकी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। गुस्से में कहती क्या तुम खेलते समय मुझे भूल गए और अब इतने सालों बाद तुम मेरे पास आके कह रहे हो कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ। इस पर फू कहता है लेकिन दीदी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें खोज तो लिया। शिनी कहती क्या फायदा, तुमने तो गुविन और लिन को भी भगा दिया। इस पर मो कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब। यहाँ पर शिनी सारी किडनैपिंग की बातें बताती, किडनैपिंग लिन और गुविन ने की थी, फू ने कुछ नहीं किया था। कहता है फू से आई एम सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने कुछ नहीं किया था, तुम होटल रूम में शिनी को बचाने गए थे। इस पर फू कहता है तुम जेलस किंग बन चुके थे, मैंने कितनी बार कहा तुमने मेरी बात मानी। मो कहता है वाइफी शिनी कहती है अभी। मो कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कि वहाँ पर फू का बड़ा भाई फैंग आता है। मो कहता है मिस्टर फैंग इतनी बड़ी फैंग ग्रुप की ऑनर मेरे घर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर फैंग अपनी अमीरी दिखाता है, ढेर सारे गिफ्ट लेके आता है वो शिनी के लिए, जिसमें कई सारे क्रेडिट कार्ड, विला के पेपर्स, कार की चाबी या ढेर सारे डायमंड्स और ज्वेलरी होती है और भी बहुत कुछ होता है। वो सब कुछ देख कर शिनी कहती है भाभी ये तो आपसे भी ज्यादा अमीर है। तभी मो कहता है शिनी तुम भी ना। तभी फैंग कहता है शिनी मेरी बहन है, तो आपके पास क्या प्रूफ है। फैंग कहता है मैं बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करता। और यहाँ पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, वो देखते फू यहाँ पर काफी हैप्पी होते, कहते हैं फाइनली दीदी आप ट्रस्ट नहीं करी थी, ये देखो मैं सच में आपका भाई हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है और ये हमारे बड़े भैया है। कहते हैं फाइनली मुझे मेरी बहन मिल गई, वो काफी हैप्पी हो जाता है। तभी फैंग कहता है शिनी तुम मेरे साथ चलोगी और मिस्टर मो हमारा लॉयर आकर तुमसे मिलेगा डिवोर्स पेपर के लिए। शिनी कहती भैया मेरी फैमिली। फू भी मो कहता है नहीं ये कहीं नहीं जाएगी। फू कहता है ये मेरी बहन है, ये हमारे साथ हमारे घर जाएगी और वैसे भी तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है ना, तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते। शिनी तुम चलो यहाँ से। तभी शिनी कहती है लेकिन भैया मैं मो से प्यार करती, मैं दूर नहीं जा सकती और शाह से भी। तभी शाह कहता है हाँ हमारी फैमिली, हम अलग नहीं हो सकते, हम तीनों साथ में रहेंगे। वो देखते ही फैंग यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ओके ठीक है, मैं बस तुम सबका टेस्ट कर रहा था कि वाकई तुम मेरी बहन की केयर कर सकते हो कि नहीं। तुम्हारी फैमिली के प्यार देखकर मैं एग्री करता कि शिनी तुम्हारे साथ रह सकती है, लेकिन शिनी कभी भी इसने तुम्हें तंग किया तो फिर तुम अपने बड़े भाई को मत भूलना, तुम मेरे पास वापस आ जाना। तभी शिनी कहती थैंक यू भैया। फू कहता दीदी फाइनली हम तीनों मिल गए और यहाँ पर तीनों काफी हैप्पी होते हैं। आपके तो डैड आप तो बच गए, आपकी वाइफ के भाई काफी डेंजर है, वो तो आपकी वाइफ को लेकर चले जाते।
वो मोक कहता है, तुम काफी बड़े हो चुके हो। हाँ, आगे सीन जहाँ पर ग्वीन भागने जाती कि तभी कार में फू और मो से पकड़ लेते हैं और फू कहता है अब तुम पुलिस स्टेशन चलोगी। आगे जहाँ पर शाओ सीनी साथ में होते कि तभी वहाँ पर झाओ आता और कहता है शाओ मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। तभी सीनी गुस्से में कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस आ गए, तुम भागे कैसे जेल से। राहो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो सीनी कहती शाओ तुम इसकी बातों में मत आना, इसने तुम्हारी माँ को टॉर्चर किया था और उनकी जान चली गई और तुम बस पैसों के लिए तुम शाओ के डैड बनना चाहते हो। तुमने शाओ की मॉम के साथ कितनी मारपीट की थी, उन्हें कितना टॉर्चर किया था। यहाँ पर झाओ याद करता है जहाँ पर काफी नशे में हमेशा घर आता था। तो बायली कहती है आपने फिर से ड्रिंक क्यों की। इस पर बायली को मारता है और कहता है मुझे और पैसे चाहिए, मुझे अमीर होना है, मैं आज फिर से जुए में पैसे हार चुका हूँ। तुम्हारा भाई इतना अमीर है, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगती। सारे मारपीट के बाद, रिस्पेक्ट खोने के बाद फाइनली बायली डिसाइड करती झाओ को छोड़ने का और वो घर छोड़कर चली जाती है। पसंद सीन देखती है झाओ को, जहाँ पर कहता है मुझे नहीं पता था कि घर छोड़ते समय प्रेग्नेंट थी। तभी शाओ गुस्से में कहता है तुम मेरी माँ की कातिल हो। झाओ कहता है मुझे माफ कर दो। शाओ गुस्से में कहता है भूल जाओ। तभी झाओ कहता है मैं समझ गया, तुम्हारी सौतेली माँ की मैंने किडनैपिंग की थी, इसलिए तुम मुझे माफ नहीं कर रहे। ठीक है, मैं सबको जाके बोल दूंगा कि तुम अपनी सौतेली माँ से प्यार करते हो, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, की वजह से तुम अपने डैड को जेल भेजना चाहते हो। सुनते शिनी यहाँ पर झाओ को थप्पड़ मारते और कहती बॉडीगार्ड से इसे यहाँ से लेकर जाओ। झाओ भाग जाता है, वो देखते शाओ वहाँ से जाता है और आगे झाओ कार से झाओ का पीछा करता है। तभी झाओ नीचे गिर जाता है, शिनी यहाँ पर चिल्लाती है। तभी शाओ कार का ब्रेक लगा देता है और यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड झाओ को पकड़ लेते हैं। फिर शिनी कहती तुमने तो मुझे मार ही डाला था, तो मैं कुछ हो जाता तो। तभी शाओ कहते मॉम की, तभी यहाँ पर शिनी बेहोश हो जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर सब कहते हैं शिनी तुम ठीक तो हो। शिनी कहती क्या हुआ, आप सबका फेस मुझे कार्टून की तरह दिखाई दे रहा है। फिर मो स्माइल देता है और कहता है शिनी तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते मो की मॉम कहती बेटा तुम क्या खाना चाहती, मैं जाकर बना के लाती हूँ। तभी फैंग कहता है यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, तो फिर तुम सिंगापुर चलोगी, तुम वहाँ शिफ्ट होगी हमारे विला में। फिर कहता है मैं भी दीदी के साथ जाऊंगा। तभी शिनी कहती भैया लेकिन मुझे तो मो के साथ रहना और शाओ शाओ के होमवर्क को भी तो मुझे रोज चेक करना होता है ना, वो होमवर्क नहीं करता। फिर शाओ कहते क्या मैं होमवर्क नहीं करता। शिनी कहती हाँ। फिर शाओ कहता है ओके लेकिन बेबी का नाम मेरे नाम से मैच करेगा, वो काफी कूल नाम होगा। फैंग कहते नहीं बेबी का नाम फैंग फैमिली से बिलोंग करेगा। तभी मो की माँ कहती नहीं बेबी का नाम तो मो फैमिली से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर तीनों लड़ने लगते है नाम को लेकर। तभी शिनी कहती मैंने तो अपने बेबी का नाम सोच लिया है। तभी मो कहता है ठीक है तुम बेबी का ऑफिशियल नाम रखना और मैं बेबी का घर का नाम रखूंगा, हमारे बेबी के 5-6 नाम होंगे। और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं। आगे मो कहता है वाइफी आई लव यू। शिनी कहती है आई लव यू टू हबी। ये प्यार के साथ ही लव स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फिर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।